हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 12। इससे पहले मैं 11 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, सो इन कम्प्लीट क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आपकी जो यूजीसी नेट करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे से एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। गाइज, मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। देखो, एज टीचर मैं आपको तुक्का को मैं इम्प्रूव मैं एक तरीके से आपको और आप सभी को यहाँ पर पॉजिटिव वे में इसको मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इस चीज़ का एडवांटेज आप ले सकते हो। और एग्जाम एक एक वॉर ही समझ लो, एक तरीके से एक वॉर है जिसको आप सामना दंड पे कैसे भी करके जीतना है मैं कुल मिला करके। तो कहने का मतलब ये कि दो चार क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप तुक्का लगाना सीख जाओगे, दो चार क्वेश्चन सही कर लोगे, तो इससे आपका एडवांटेज होगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को पहले देख चुके हो तो दोबारा देख लो, इससे क्या होगा आपको जो टेक्निक्स है वो रिवाइज हो जाएगी, जिससे आप एग्जाम में दो चार क्वेश्चन डेफिनेटली सही करके आओगे। तो ये दो तरीके देखने के इस वीडियो के, या तो आप यूट्यूब पे सर्च करो यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिखो तुक्का TUKKA, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज मैं इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा। गाइज, अगर आप फ्री में PYQs डाउनलोड करना चाहते हो PDF फॉर्मेट में, क्वेश्चन विद आंसर, OMR शीट डाउनलोड करना चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए, या अदर इंपॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डेफिनेटली आप फ्री में इन PDF को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? सिंपली एग्जाम मेंटर आपको ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप IOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल दी है जो कि सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं टीचिंग में। जनरली टीचिंग में आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस टाइम पर बहुत ही बड़े लेवल पे यूज की जा रही है। और इनफैक्ट टीचिंग जो मैं आपको अभी कर रहा हूँ ये भी मैं ICT टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो या फिर आप ऐप में क्लास देख रहे हो, आप इंटरनेट पे कहीं भी क्लास देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ICT के अंदर ही चीजें आती हैं। और यहाँ पर लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो यहाँ पर जितने भी मैं टेक्निक एंड टूल्स यूज कर रहा हूँ सारी की सारी ICT के अंदर ही आती हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आज के टाइम पर बड़े लेवल पे यूज किए जा रहे हैं, और यूजीसी नेट एग्जाम में पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टीचिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वैसे देखो, यहाँ पर गूगल क्लासरूम काफी फेमस है, इसके अलावा गूगल मीट पर भी कई लोग मैंने देखा पढ़ाते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो भी तरीके से ऑनलाइन मीटिंग का ही तरीका है। सो गूगल क्लासरूम के अलावा गूगल मीट भी उसी का एक ऑप्शन उसके अंदर ही आ जाएगा। देन काहूत भी है, काफी फेमस है ये भी। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड लर्न करके है एक, एड मोडो है, मूडल करके है, काफी फेमस है ये भी, स्कूलॉजी है, इसके अलावा टैलेंट LMS, जूम, आपने सभी ने देखा कि जूम का बहुत बड़े लेवल पे यूज हुआ जब कोरोना फैला पड़ा था पूरी इंडिया में, कैनवास LMS करके है, देन माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसका भी काफी लोग बड़े लेवल पे यूज करते हैं, स्लैग हो गया, देन इसके अलावा वी ट्रांसफर हो गया। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं हमें पढ़ाने में, और इन सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन। गाइज, इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर के अलावा भी आपको सॉफ्टवेयर याद रखने हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाइज नेट हो गया, इसके अलावा कोर्सवेयर हो गया, देन ड्रॉप बॉक्स पेपर हो गया, देन इसके अलावा एडमोडो, ED पजल हो गया, एवर नोट हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट साइल हो गया, क्लास डोज हो गया, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो गाइज, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में काफ़ी फेमस है। और देखो गाइज, ये सिर्फ इतने सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो इनकी कोई लिमिट तो है नहीं। मैं आज पढ़ा रहा हूँ क्लास, हो सकता है कल कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाए मार्केट में, तो इसलिए इनकी कोई लिमिट नहीं है। बट कुछ यहाँ पर फेमस सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप याद रख सकते हो, अगर क्वेश्चन बना एग्जाम में तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये टीचिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर की लिस्ट डाल दी है जो कि रिसर्च में यूज की जाती है, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और यूजीसी नेट में इसमें इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो रिसर्च में हेल्प करने वाले सॉफ्टवेयर हैं आपके एंड नोट हो गया, मैंडले हो गया, ग्रामरली, रिसर्च गेट काफी बड़ा और काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट भी कह सकते हो, स्क्राइवनर हो गया, देन BitAI हो गया, एक्सेल हो गया, देन टाइप सेट, देन एवर नोट, देन आपका पेपर पाइल हो गया, R हो गया, डॉकियर हो गया,
तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि रिसर्च में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और भी लिस्ट है, गैंट प्रो हो गया, देन जैब रेफ हो गया, जर्नल फाइंडर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्विका, किका, देन क्वेश्चन प्रो, गूगल स्कॉलर काफी बड़े लेवल पे यूज होता है ये, जोटेरो हो गया, प्लेगरिज्म चेकर हो गया, गूगल डॉक्स एंड वीवो हो गया, वन नोट हो गया। तो गाइज मैंने जैसे मैंने बताया कि टीचिंग में कोई लिमिटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं, ऐसे ही रिसर्च में ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताई ये इतनी सॉफ्टवेयर नहीं है, मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आप आज की क्लास आपके लिए ले रहा हूँ, हो सकता है कल कोई नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आ जाए। तो इसलिए गाइज आपको सॉफ्टवेयर आप खुद को भी आपको अपडेट रखना होगा कि मार्केट में कौन सा नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, रिसर्च में नए नए सॉफ्टवेयर आते ही रहते हैं। तो ये कुछ फेमस सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बता दिए हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमने पहले कहीं देखे हैं, और कहीं आपको अगर याद आ गया तो डेफिनेटली आप उसका आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हुई हैं आपको। अगर आपको आपके दिमाग में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे डालना भूल गया, चाहे वो टीचिंग वाला हो चाहे रिसर्च वाला हो, तो आप लोग प्लीज कॉमेंट करके बताइए कि और कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है। SPSS करके है ना, SPSS, आप लोग कॉमेंट करके बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। रिसर्च में यूज करते हैं इसको हम लोग, बड़े लेवल पे यूज होता है ये भी। ओके, सो यूजफुल वेबसाइट्स भी हैं कुछ जिसको यूज किया जाता है रिसर्च की फील्ड में, जैसे रिसर्च गेट मैंने अभी बताया, भी सॉफ्टवेयर भी वेबसाइट भी है ये, वर्ल्ड वाइड साइंस हो गया, जे स्टोर हो गया, देन इसके अलावा स्कॉलरपीडिया, लाइब्रेरी ऑफ कॉन्ग्रेस, आई सीक, रेफ सीक, गूगल बुक्स हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, वॉलफ्रेम अल्फा, science.gov, MIT रिसर्च, विकीपीडिया, बायोमेड सेंट्रल, योर लोकल लाइब्रेरी साइट। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि यूज होती है रिसर्च की फील्ड में, तो आप इनको भी याद कर लीजिए, बेटर रहेगा अगर आप सॉफ्टवेयर और वेबसाइट दोनों याद रखें। ओके गाइज, देखो इनके अलावा भी कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि यूज होती हैं, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में शोध गंगा बड़े लेवल पे यूज की जाती है, इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। स्टैब्लिश कब हुई थी, 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और 2012 से स्टूडेंट्स काफ़ी इसको अच्छे से यूज़ करने लग गए थे। सो अ रिजर्वियर ऑफ इंडियन थीसिस इज अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ थीसिस एंड डिजर्टेशन सबमिटेड टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो ये क्या है, एक रिपोजिटरी है, मतलब भारतीय थीसिस का भंडार है। भारत में विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत जितनी भी यूनिवर्सिटीज में सबमिट की जाती है थीसिस, जब PhD करते हो आप, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, और शोध प्रबंधों का एक डिजिटल भंडार है। तो अगर आप PhD करना चाहते हो, कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो PhD वाली थीसिस है वो यहाँ पर अपलोड की जाती है, तो इसको कोई भी डाउनलोड करके पढ़ सकता है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, शोध गंगा को कौन मैनेज करता है, तो यह है इन्फ्लिपनेट सेंटर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि UGC के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है इसको मैनेज करती है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखती है ये शोध गंगा, जैसे आप देखते हो अपने स्क्रीन पे, शोध गंगा रिजर्वियर ऑफ इंडियन थीसिस। तो इसको मैनेज कौन करता है, इन्फ्लिपनेट मैनेज करता है, ठीक है, आई थिंक आप देख पा रहे होगे। ये देखो मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि आप समझ पाए, शोध गंगा .infliptnet.ac.in, तो वेबसाइट में ही इन्फ्लिपनेट जो है यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली आप एक तरीके से वेबसाइट है जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो थीसिस वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी थीसिस अवेलेबल हैं, 55,35,217 इतनी थीसिस अवेलेबल हैं। सिनॉप्सिस भी अवेलेबल हैं, इसके अलावा बाकी रिपोर्ट्स और PDFs भी अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करके आप गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो लोग कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, ताकि आप इजीली जो है यहाँ से चीज़ें कर सकें और समझ सकें। अगर आप थीसिस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये थीसिस जो है किस स्टूडेंट की है, रिसर्चर कौन है, इनके गाइड कौन है, इनका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर थीसिस पड़ी हुई है, और थीसिस की संख्या मैंने बता दी है, 5,35,289 के आसपास है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से लोग करते हैं रिसर्च, है ना, जिससे आप अपनी अगर थीसिस लिखने जा रहे हो PhD के लिए तो वहाँ पे आप इजिली उसके बारे में समझ पाओ डिटेल में। इसके अलावा शोध गंगोत्री एक वेबसाइट है जिसका यूज किया जाता है, इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव दैट कॉम्प्लीमेंट्स शोध गंगा। शोध गंगा से ही कोई कॉम्प्लीमेंट करती है ये, शोध गंगोत्री होस्ट सिनोप्सिस। याद रखना, शोध गंगा पे तो थीसिस होती है, और शोध गंगोत्री पे क्या होता है, सिनोप्सिस होते हैं ऑफ रिसर्च टॉपिक सबमिटेड, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं ना, टू द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया बाय रिसर्च स्कॉलर फॉर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स फॉर द PhD प्रोग्राम। अगर आप PhD में एडमिशन लेते हो तो आपको रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनोप्सिस देना होता है, तो उस सिनोप्सिस को या रिसर्च प्रपोजल को ये लोग
शोध गंगोत्री पे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर सकता है। शोध गंगोत्री इज इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहले कहा जाता था, और ये भी इंप्लीमेंट सेंटर का ही के अंडर ही आती है, इसको ये लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। शोध गंगोत्री कुछ इस तरीके से दिखती है आपको, ये दिख रहा होगा शोध गंगोत्री, और यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पर ये सिनॉप्सिस पड़े हुए हैं, मैंने सिनॉप्सिस पे क्लिक किया तो इस तरीके से सिनॉप्सिस ओपन होकर के आ गए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्चर कौन है, गाइड कौन है, प्लस टॉपिक क्या है इनका। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल पड़े हुए हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे लिखे जाते हैं इंडिया में रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस, जिसका जिसके थ्रू आप जो है फ्यूचर में एडमिशन ले सकते हो अपनी पीएचडी करते टाइम। शोध सिंधु करके एक वेबसाइट है जिसका यूज होता है। शोध सिंधु इज अ डेटाबेस ऑफ रिसर्च जर्नल्स एंड ई बुक्स। इट वॉज लॉन्च इन 2014 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उस टाइम पर MHRD कहते थे, बट अब आज के टाइम पर उसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, शोध सिंधु को। इसका काम क्या है? इसका काम है रिसर्च जर्नल को, जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च जर्नल होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आकर के आप इनको इनको डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप रिसर्च रिसर्च करते हो किसी टॉपिक को लेकर के, तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, तो उसके लिए जो वेबसाइट है काफ़ी हेल्प करती है आपकी लिटरेचर रिव्यू करने में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली वेबसाइट है, ई शोध सिंधु करके वेबसाइट है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए गाइज, यहाँ पर जर्नल जो है 10,000 से ज़्यादा जर्नल है, ई बुक देखिए कितने बड़े अमाउंट में पड़ी हुई यहाँ पर। तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे या इनफैक्ट अगर आप रिसर्च भी करना चाहते हो, तो भी आपके लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा रिसर्च करना। इससे एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है ना सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप देखना चाहते हो। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है ना, तो इससे क्या है, इससे रिलेटेड जो भी जर्नल हैं, जो भी पेपर्स हैं, वो मेरे सामने आ जाएंगे, इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं, आई होप आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, आप लोग ना कॉमेंट करके नहीं बताते कि आपको क्लासेस कैसे लगती हैं, ऐसे कॉमेंट करके बताया करो कि क्लास आपको कैसे लगती हैं, प्लस वीडियोज़ को शेयर किया करो, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पर शेयर कर दो लेक्चर्स को। इससे क्या होता है, रीच बढ़ती है वीडियोज़ की, बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा होता है। तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से लाइक कर दो, और आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एक लाइक बटन हिट कर दो, और इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कर देना आफ्टर वॉचिंग लेक्चर। देखो गाइस, एक ई विद्वान करके वेबसाइट भी है। अब ये क्या है, इट इज द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। इनकी प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन की जाती है, एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एंड लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस R&D ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया। तो इनकी प्रोफाइल जो है इस पर मेंटेन की जाती है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपर्ट, बैकग्राउंड हो गया, कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया, स्किल एंड अकम्प्लिशमेंट हो गया। डेटाबेस वॉज डेवलप एंड मेंटेन बाय द इन्फ्लिपनेट। ये इन्फ्लिपनेट की फुल फॉर्म याद कर लो, ये है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी जरूरी है इन्फ्लिपनेट की, एक बार तो फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी। तो जो ई विद्वान वेबसाइट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, इस प्रोफाइल मेंटेन की जाती है, जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, लाइक जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, मतलब जो रिसर्च की फील्ड में है, उनकी प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन की जाती है। तो मैं इसको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ आपको, नीचे की तरफ आएंगे आप तो देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरफ कि ये टॉपिक वाइज दिख जाएंगे कि भाई किस टॉपिक में कितने लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, मतलब कितने लोग ये प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन की गई है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर है 21,616, ये है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के विद्वान, मतलब जो रिसर्चर हैं, जो फैकल्टी मेंबर, जो प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर। तो मैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर जो है इनके नाम आ चुके हैं, और कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर है। तो इस तरीके से इनकी प्रोफाइल मेंटेन की जाती है, और यहाँ पर इनको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, ताकि आप इनसे बात कर सकें, कॉन्टेक्ट कर सकें कि भाई मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे आपसे हेल्प चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, या मैं आपके अंडर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो जनरली ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IIT हो गया, IIM हो गए, यहाँ के लोग जो है इनकी प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इनके बारे में कंप्लीट लिखा होता है कि कहाँ से हैं ये, क्या कर रहे हैं, कहाँ से PhD करी इन्होंने, इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च करने में आपकी हेल्प करते हैं, और इससे इंडिया में जो है रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। सो गाइज, ये थी ई विद्वान की वेबसाइट।
अब देखो गाइस, एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए हमने आप सभी के लिए, आप सभी के कहने पर एग्ज़ाम टारगेटेड 1 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। ना सिर्फ पेपर वन का बल्कि कॉमर्स का भी 1 मंथ का कोर्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट का अवेलेबल है 1 मंथ का कोर्स, एंड पॉलिटिकल साइंस का भी हमने 1 मंथ का कोर्स आप सभी को अवेलेबल करवा दिया है। सभी कोर्सेज में कंप्लीट 10 यूनिट्स को इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि कंप्लीट कंटेंट आप केवल 30 डेज में कवर कर लेंगे। एग्जाम अभी 18 जून को होगा ऐसा कंफर्म नहीं है, एग्जाम की डेट आगे भी बढ़ सकती है, तो अभी अभी आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हो। 30 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट 10 यूनिट्स आप विद इन 30 डेज कवर कर लेंगे। इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट को हमने डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, चाहे पेपर वन हो, कॉमर्स मैनेजमेंट या पॉलिटिकल साइंस हो। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ऑल 10 यूनिट्स के 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, एंड PDF नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइस, पेपर वन के अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस भी अवेलेबल है। अभी सबसे अच्छी बात ये है कि 22 और 23 ये 2 दिन आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा पे ऑफर दिया जा रहा है, 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। तो आप कूपन कोड अप्लाई करिए बुद्धा50, इससे आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट और मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए 3, 6 एंड 12 मंथ के कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। इन कोर्सेज पर भी आपको हमने डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया है, सो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो। इससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए फटाफट से अवेल कर लो। कैसे इनरोल करना है, सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। एज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।